गाइस अब हम चल रहे हैं डॉक्टर के, मेरे को कुछ काम याद आ गया। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर को हमें नहीं मिला, तो अब हम जाने वाले हैं। तो अब मेरी अपॉइंटमेंट है 8:15, यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं। तो जो शॉपिंग हमें करनी थी वो हमने कर ली है, मुझे तो बोला भी जा रहा तो घर पर ही मिलते हैं। क्यों मम्मी है ना, घर पर मिलते हैं। हाँ जी कार से हमने ये कुछ लोअर्स लिए हैं क्योंकि समर्स आ रही है, जैसे कि आपको पता है। नानी के लिए स्टॉल लिया है, वो बहुत दिनों से बोल रही थी स्टॉल स्टॉल। गाइस दिल्ली की सड़कें हैं ये, यहाँ पर कोई कैसे भी घुसा देता है, इधर उधर। देखो गाइस ये है ह्यूमन बीइंग, कहीं से भी घुस जाते हैं ट्रैफिक के बीच में। तो नानी के घर के रास्ते में कुछ शॉप्स आती है, तो आप देख सकते हैं नवरात्रे आने वाले हैं, तो बाजार की रौनक देखिए। तो गाइस हम आ चुके हैं नानी के घर। आई हुई तो मैं बहुत पहले की हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने यहाँ पे चार्ज किया है। तो अभी है मेरे पास दी, पीछे देखो दूल्हे राजा, और ये तो हर चीज में आगे आती है, आपको पता है। गाइस अब हम खा रहे हैं, मेरे मामा ने बेचारे बारिश में भीग कर मेरे लिए लाए हैं मेरी फेवरेट चीज, ग्रेवी वाली चाप और रुमाली रोटी। तो अभी भाभी क्या कर रहे हो? भाभी क्या कर रहे हो? ब्लॉग चल रहा है भाभी। सॉरी दीदी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मजा आया आपको लाइफ के एंजॉयमेंट? बहुत। और बताओ भाभी कहाँ चली गई? आ रही है कहीं। वैसे हमारे यहाँ गाइस बहुत बारिश हो रही है, बहुत। हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ ही हो रही होगी। तो अभी हमने, जब मैं नानी के यहाँ आई हूँ, तो अभी हमने मेरी रोके की वीडियो देखी है। और ये बहुत बोलती हैं, बहुत ज्यादा ही बोलती हैं। कुछ बोलिए, बस हाय बस हाय। कितनी बार क्या बोलूं फिर मैं? कुछ और बताओ आप, आपका एक्सपीरियंस बताओ, कुछ नया। बहुत तेज भूख लग रही है। तो हमारे यहाँ पे अब आ चुके हैं चाप, रुमाली रोटी, दाल चावल। दिखाऊंगी। तो गाइस ये है ग्रेवी चाप, रुमाली रोटी और सैलेड। ये मामी के हाथ के दाल चावल। सोनू भाई का रूम दिखाओ। भाई का रूम हम नहीं दिखाएंगे, नजर लग जाती है लोगों की, वो भी काली वाली। काली तो नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम खा रहे हैं यहाँ पे रुमाली रोटी और चाप, और मम्मी खा रही है दाल चावल, क्योंकि अब हमें घर भी जाना है खाने के बाद। लेकिन बारिश बहुत हो रही है, तो शायद मामा ही हमें छोड़ जाएंगे। लेकिन मैं मामा के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत जरूरी काम है, मुझे अपने फेवरेट मोमोज लेने हैं। वो भी तो बताओ। वो हम सीक्रेट, नजर लग जाती है लोगों को। यार आई है अपने घर से इतने दिनों बाद। तो भाभी आप कैसे हो? हाय बोलो। हेलो। तो आप कैसे हो? देखो ये है मेरी भाभी, इतनी प्यारी, नजर लग जाएगी, हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे। दीदी खाओ यार, आप दोनों तो खा ही नहीं रहे हो। हम खा रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों? अभी तो कहते हैं हमें तुझे खाते हुए देखने बहुत अच्छा लगता है। बस तूने कहा तो इसलिए खा रहे हैं। ये देखिए, इन्हें नहीं है शर्म जरा सी भी, इन्हें है ही नहीं है बिल्कुल भी। बहू आई भी उनको नहीं पूछना, किसी नहीं पूछना भाई, बस हमें खाना है तो गाइस ये चाप बहुत अच्छी है, ये मेरी फेवरेट चाप है, जो कि मेरी मामा। इतनी बारिश में भीग कर आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे तर बतर हुए पड़े हैं। दिखाइए, ये मेरे मामा, जो कि बहुत शर्माते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी दिखाएंगे। और ये है मेरे मामा की लड़की। मामा की वेस्ट पानी होना बहुत जरूरी है ना जिंदगी में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते रहो, जैसे कि ये खा रहे हैं। और बताओ दीदी, मेरे आने से पहले क्या क्या किया आपने? आने से पहले ब्रेड पकौड़े थे। अच्छा, किसने लाए? मामा। अच्छा, और आपने भी खाया? हाँ जी मैंने भी। अच्छा, मैंने भी खाया वैसे तो, बोलते मुझे पता नहीं है। हाँ मैंने रख दिया था। अच्छा, और बताओ भाभी कितने बजे आए? 3 बजे। अच्छा, क्योंकि हम तो जब भी आते हैं भाभी मिलती नहीं है, आज पकड़ा गया है चोर। 1 महीने बाद। हाँ सही में 1 महीना हो गया, कि जब भी आओ होता था कि कल जाएंगे आ जाएंगे, हम 2 बार आए आपके पीछे से, आप मिले ही नहीं, फिर भी आलू के पराठे में से रह गए। अभी तो रसोई बाकी है, अभी थोड़ी हुई है, अभी तो समझो ये हमारी मुंह दिखाई हुई है ना, हमने तो भाई शादी के बाद अब तसल्ली से बैठे हैं। तो अभी हम भाभी के हाथ के आलू के पराठे, नहीं पता नहीं क्या क्या खाएंगे, बहुत अच्छे खाएंगे। और क्या, वैसे कैसे बनाती है भाभी? बढ़िया। आपने तो खा ली ना? चीटर कोक। मैं तो रोज खाती हूँ। अच्छा जी, अब वैसे भी मैं जाने वाली, 8:30 हो चुके हैं। क्यों? तो पापा एक बैठे हैं ना, भूखे होंगे। अच्छा। और मम्मी और मैं तो यहाँ पे हैं। कोई बात नहीं, और फिर एक नया सदस्य हमारे घर का, वो भी बेचारा भूखे ही बैठे होंगे। हम नाम भी
बताएंगे वो क्या है, आप जानते हो मेरे डायलॉग की नजर लग जाएगी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपने घर, तो हम यहाँ से बाय करते हैं सबको। बाय दीदी, बाय भाभी। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नीचे क्योंकि मम्मी नीचे हैं, तो दीदी हमें छोड़ने आ रही है और बारिश बहुत है इसलिए आराम आराम से चलना पड़ रहा है क्योंकि स्टेयर्स पे बहुत ज्यादा पानी है तो यहाँ पे बहुत अंधेरा भी है। तो अब हम पहले अपनी थोड़ी सी फ्लैश लाइट चला लेते ताकि हम थोड़े थोड़े गोरे दिखें। गाइस मेरे ना एक पिंपल हो गया है, वो बहुत परेशान कर रहा है ना दीदी, दिख रहा है ना बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं, पहुंच गए हम नीचे वाले फ्लोर पे, यहाँ बैठे मम्मी और नानी नाना जी। तो चलो तो चलो दीदी अब हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय। वो आ रहे ऊपर से, मम्मी गेट खोलो, बाय बाय। फ्लैश लाइट जला रहे थे क्योंकि अंधेरा बहुत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, मैं आपको दिखाती हूँ छप छप वाली आवाज, इतनी बारिश, पानी की पानी। बाय। तो गाइस रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, जलेबी का मन कर रहा था तो हमने जलेबी ले ली। गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा फंस चुका है यहाँ पे, थकान भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। गाइस कहीं से कहीं तक का रास्ता नहीं है, पैदल तक का रास्ता नहीं है, यहाँ पर सारे रोड ब्लॉक हो गया, कोका ठाकी भी चल रही है यहाँ पे। बारिश को भी आगे आना था, वैसे तो 2-3 दिन से लगातार आ रही है, लेकिन फिर देखते हैं घर पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा, हमने आते ही जस्ट अभी अपने कपड़े चेंज किए हैं। गाइस इस टाइम बहुत ठंड लग रही है, तो आज का व्लॉग यहीं होता है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।